हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जो आज बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी के बारे में जो है उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आई बम्पर वैकेंसी है, जिसमें टीचिंग यानी टीचर एम्प्लॉय की वैकेंसी आई है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस जॉब से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी आई है जो है टीचर की वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट टेक्निकल से पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट है उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। डेट की बात करें तो कब से अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई आपका 15 सितंबर से हो रहा है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपका अगले मंथ यानी 15 अक्टूबर तक रहेगा। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे, भरने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट कर ले। मैं नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लीकेशन फी की बात करें तो जो भी अनरिजर्व इकोनॉमिकली बीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास है उनको 200 रुपया प्लस 25 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देकर आपको 225 रुपीज पेमेंट करना होगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 80 और 25 रुपीज मिलाकर 105 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हैंडीकैप्ट और एक सर्विस मैन को 25 और 105 रुपीज पेमेंट करना होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। प्रिंसिपल की वैकेंसी है, लेक्चरर की वैकेंसी है, डिफरेंट टेक्निकल डिसिप्लिन्स में, इंग्लिश में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स भी है और लाइब्रेरियन भी है और वर्क सुपरिटेंडेंट भी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1370 है जो डिफरेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिजर्वेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट यूपी से बिलोंग करते हैं तो एज पर द यूपी गवर्नमेंट के थ्रू आपको जो भी रिजर्वेशन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको मिलेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट यूपी से नहीं है, अदर स्टेट से है, तो उनको वह रिलैक्सेशन जो एज वाई कैटेगरी है वो नहीं मिलेगा, आपको जनरल माना जाएगा। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा शादी किए हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रिंसिपल पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो PhD है एंड फर्स्ट क्लास एट आइदर बैचलर और मास्टर लेवल इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। यानी जो भी कैंडिडेट प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो क्वालिफिकेशन होगा वो PhD होना चाहिए और फर्स्ट क्लास आप पास होंगे बैचलर में और मास्टर्स में जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है। और साथ साथ फर्स्ट क्लास बैचलर मास्टर लेवल इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन जो AICTE अप्रूव डिप्लोमा कोर्स मिनिमम 20 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियर की है जिसमें आपका जो पे स्केल होगा वो 56,100 का होगा, लेवल 9A का है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी BA BTech BS रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए जो आपका AICTE से फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए। उसी तरह लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें, लेक्चरर सिविल इंजीनियर की बात करें तो जो भी सैलरी दिया जाएगा सेम है और आपका रिलेटेड डिसिप्लिन में आपका डिग्री होना चाहिए। बात करें लेक्चरर कंप्यूटर की पोस्ट के बारे में तो सैलरी की बात करें तो 56,100 है, लेवल आपका 9A रहेगा। डिग्री की बात करें तो आपके पास BTech BE का डिग्री होना चाहिए AICTE से अप्रूव्ड। बात करें लेक्चरर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की तो आपका सैलरी सेम रहेगा और जो भी आपका लेवल होगा 9A का लेवल होगा और आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में डिग्री होना चाहिए। उसी तरह जो भी है आप अपना जो भी डिग्री से रिलेटेड आप डिसिप्लिन है वो आप यहाँ खुद से रीड आउट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अगर जो भी जो मार्क्स है जो ग्रेड कार्ड होता है अगर उसमें आपने CGPA मिला है तो उस CGPA को इस वैकेंसी के तहत कैसे कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटेज को उसके बारे में दिया गया है। तो अगर आपका 6.25 CGPA है तो उसको इक्विवेलेंट परसेंटेज माना जाएगा 55%।
अगर आपका सी जी पी ए 6.75 है तो उसको 60% माना जाएगा। यानी यूपी गवर्नमेंट ने पहले ही आपको बता दिया गया है कि अगर आपका सी जी पी ए में ग्रेड कार्ड है, मार्कशीट है, तो आपको उसके अनुसार कन्वर्ट किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर एंड मस्ट नॉट क्रॉस द 50 ईयर्स, यानी 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी अनुसार जो भी जितने पोस्ट है उनके एज वाइज दिया गया है और जो भी रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट यूपी के द्वारा दिया जाएगा। ये फॉर्म भरे कैसे, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, जो भी डेटा मांगता है वहाँ फिलअप करें, उसके बाद फी वगैरह और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है, फ़ोटो अपलोड वगैरह वहाँ करें, उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर दें। यही 3 स्टेज है आपके फॉर्म भरने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।